मध्य प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होने जा रहा है। 19 अगस्त को मॉनसून के फिर एक्टिव होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भोपाल ग्वालियर चंबल एरिया समेत एमपी के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने से नया मॉनसून सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिस कारण प्रदेश में फिर मॉनसून की एंट्री होगी। आपको बता दें कि अगस्त महीने में अब तक 270 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं फालोड़ी जो है राजस्थान के, वहां से वो शिवपुरी और सीधी से होते हुए आगे उस पर्टिकुलर लो प्रेशर एरिया के तरफ से बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है, और एक राजस्थान में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन्हीं सभी सिनॉप्टिक सिस्टम के चलते आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि वर्षा की गतिविधि जो प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश में रहेगी, उसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ी वर्षा मध्यम से अधिक हो सकती है, मध्यम से भारी भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हो सकती है। तो आने वाले 24 घंटे में जो है पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का जो भाग है वहां पे वर्षा की गतिविधि थोड़ी ज्यादा हो सकती है इन कंपैरिजन विद पश्चिम मध्य प्रदेश। और आप देख सकते हैं कि भोपाल में भी जो है सुबह से तो आज धूप खिली है, लेकिन जैसे शाम को हल्की गरज चमक के साथ बौछारें कहीं कहीं गिरने की संभावना बनी हुई है।